नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद हर पार्टी अपने सियासी रण को धार देने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को चुनौती दे रहा है। इन दोनों ही गठबंधन से अलग मायावती भी राज्य में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की इसी सियासी जमीन पर बड़े बड़े दिग्गजों की लोकसभा चुनाव में हार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार से चार दिग्गज ऐसे नेता हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा है। इस लिस्ट में संजय गांधी, शरद यादव, मेनका गांधी, काशीराम, राहुल गांधी और कुमार विश्वास समेत कुछ और दिग्गज हैं। हम बारी बारी से उस चुनाव का जिक्र करेंगे जिनमें इन दिग्गजों की हार हुई है। 1977 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में उनका मुकाबला जनता दल के रविंद्र प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से था। आपातकाल के बाद की कांग्रेस विरोधी लहर में संजय गांधी की हार हुई। रविंद्र प्रताप सिंह ने 75,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। संजय गांधी के निधन के बाद जब अमेठी में चुनाव हुआ तो राजीव गांधी ने जीत दर्ज की, लेकिन इस उपचुनाव में शरद यादव उनके खिलाफ मैदान में थे। सहानुभूति की इस लहर में शरद यादव को केवल 21,188 वोट ही मिले थे, जबकि राजीव गांधी को 2,58,884 वोट मिले थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में अपने पति की सियासी जमीन को आगे बढ़ाने का जिम्मा मेनका गांधी ने उठाया था। तब गांधी परिवार से अलग उन्होंने अपने पति संजय गांधी के भाई राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में मेनका गांधी अपने जेठ राजीव गांधी से चुनाव हार गई थी। मेनका गांधी को 50,163 वोट मिले, जबकि राजीव गांधी को 3,65,041 वोट मिले थे। राजीव गांधी के निधन के बाद अमेठी में उनका कामकाज देख रहे सतीश शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में वो जीत गए, लेकिन इसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के डॉक्टर संजय सिंह ने चुनाव हरा दिया। तब कैप्टन सतीश शर्मा को 1,81,755 वोट मिले थे और डॉक्टर संजय सिंह को 2,05,025 वोट मिले थे। 1989 में राजीव गांधी के खिलाफ काशीराम ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो इस चुनाव में हार गए और काशीराम को केवल 25,400 वोट ही मिले, जबकि राजीव गांधी को 2,71,407 वोट मिले और वजह ये रही कि वो चुनाव जीत गए। महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी भी 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। इस सीट पर काशीराम भी चुनाव लड़े थे। काशीराम और राजमोहन गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। राजीव गांधी ने जीत दर्ज की, जबकि दूसरे नंबर पर 69,269 वोट पाकर राजमोहन गांधी रहे और काशीराम तीसरे नंबर पर रहे। अमेठी हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है। इस सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास ने चुनाव लड़ा था। ये पहला लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। इस चुनाव में कुमार विश्वास को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले और वो चुनाव जीते थे, जबकि कुमार विश्वास को 25,277 वोट मिले थे। अमेठी में 2014 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और कुमार विश्वास के साथ बीजेपी के टिकट पर स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में स्मृति ईरानी को 3,748 वोट मिले थे। यह चुनाव राजीव गांधी ने करीब 1,08,000 के अंतर से जीता था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।